हाय गाइस, हाय एवरीवन। सो आज हम लोग हैलो एल्केन्स जो है, जो हैलो एल्केन्स का पूरा रिवीजन करेंगे, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं, जैसे कि कैसे हम बनाते हैं हैलो एल्केन्स को, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और क्या SN1 SN2 का डिफरेंस है और कैसे उस पर क्वेश्चन आते हैं, वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। आई एम इशिता खुराना एंड आई एम फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, एंड आई स्कोर्ड 647 मार्क्स इन नीट 2019। सो क्रैक नीट UG विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, एंड वॉट यू हैव टू डू इज आप बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, एंड वॉट यू विल गेट इज डेली लाइव क्लासेज। आप लोगों को डेली लाइव क्लासेज यहाँ पर मिलेंगी, डेली लाइव क्लासेज आप लोगों को मिलेंगी, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। अगर आप 11th में हो आपके लिए प्रॉपर कोर्स है, 12th में हो 12th के लिए कोर्स है, क्रैश कोर्सेज हैं, बहुत सारे डाउट और सेशंस हैं बहुत सारे, तो आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी हैं, डेली लाइव क्विजेज भी हैं, और लाइव टेस्ट एंड क्विज यहाँ बहुत सारे होते हैं, जिसमें एक इंटरैक्टिव पोल भी आपको मिलता है। तो अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेते हो तो आप किसी भी एजुकेटर से, किसी भी एजुकेटर से इस कैटेगरी के पढ़ सकते हो। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट फीचर। और लाइव क्लासेस, फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होती हैं, तो मैं भी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस ले रही हूँ जो अनअकैडमी पर होती हैं। जैसे मैं 10 PM रोज़ आपका टेस्ट लेती हूँ केमिस्ट्री और बायो का, और वो बिल्कुल फ्री है, और बहुत सारे बच्चे भी वहाँ ज्वाइन करते हैं और पोल मिलता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो 10 PM वाला हमारा टेस्ट है उसमें एक दिन मैं बायो का रख देती हूँ, जिसमें हम 90 questions कर लेते हैं 60 मिनट्स में। तो मैं ट्राई करती हूँ तुम लोगों का टाइम भी ना वेस्ट हो, तो तुम लोग वो क्लास अटेंड करके ज़रूर देख सकते हो, और उसमें बहुत मज़ा आता है कि मतलब तुम्हारा एक घंटे में पूरा रिवीजन हो रहा है, एक बार फुल सिलेबस बायो का, जो भी तुम्हारी गलतियाँ वो जाके तुम रिवाइज कर सकते हो। सो वी हैव द टॉप एजुकेटर्स जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस से हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस है, तो उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एंड इफ़ यू बाय द 12-month सब्सक्रिप्शन प्लान यू विल गेट इट फॉर 27,000 rupees आफ्टर यू अप्लाई माई प्रोमो कोड इशिता। अगर आप मेरा इशिता प्रोमो कोड अप्लाई कर देते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आपको 27,000 का पड़ेगा पूरे साल का सब्सक्रिप्शन 12 months का। और अगर आप 24 months का लोगे तो आपको और ज़्यादा इनएक्सपेंसिव मिलेगा, जो कि 1,1350 rupees का है, और 32,400 का आपको पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से, आपको सिर्फ 1,350 rupees का पड़ेगा। आप मेरा प्रोमो कोड इशिता अप्लाई करो, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा और इतने का आपको पड़ेगा। तो आप लोग लेकर ज़रूर देख सकते हो, और बहुत मतलब आपको बेनिफिट होगा, और इतना इनएक्सपेंसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इतना अच्छे से एफिशिएंटली तुम्हें पढ़ाता है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। और हम आज शुरू करते हैं हैलो एल्केन से। तो हम क्या करेंगे, पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर लेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे, और फिर SN1 SN2 रिएक्शन कैसे होता है और क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे रिएक्टिविटी देखते हैं, वो सब चीज़ें कर लेंगे। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, अगर मुझे हैलो एल्केन बनाना है तो मैं क्या देखूंगी। सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मैं हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्केन कैसे बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास एल्केन है, तो मैंने क्या किया, RH ले लिया प्लस X2 ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या बन गया, RX प्लस HX। तो एक तो ये तरीका हो गया बनाने का। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने एल्कीन ले लिया और मैंने इसके अंदर X2 ऐड कर दिया। तो इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर मॉडर्न मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई होता है, मॉडर्न मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जब X यहाँ पे जुड़ता है उसके अकॉर्डिंग, तो कुछ ऐसा आपका बन जाएगा। तो ये भी एक दूसरा मेथड हो गया हाइड्रोकार्बन से बनाने का। और कौन से मेथड है देखेंगे हम, और कौन से मेथड है, और मेथड है जैसे मैं बात करती हूँ बेंजाइलिक या फिर अलाइलिक सब्सटीट्यूशन, बेंजाइलिक या अलाइलिक सब्सटीट्यूशन की। तो उसमें क्या होता है कि मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, जैसे उसके अंदर तो हमने क्या पढ़ा था, एडिशन हो रहा था। यहाँ पे बेंजाइलिक एलाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमारे जो रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, SO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ SO2Cl2 और एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसके अंदर जो बनता है ना आपका, ये जो क्लोरीन है ये ऐड होता है एलाइलिक पोजिशन पर या बेंजाइलिक पोजिशन पर, तो कहाँ पर जुड़ेगा, CH2Cl यहाँ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका बन जाएगा। तो ये बेंजाइलिक एलाइलिक सब्सटीट्यूशन हो गया। ये किसके अंदर हो रहा है, ये भी एल्कीन्स में ही हो रहा है, ठीक। तो एल्कीन से या हाइड्रोकार्बन से बनाने का ये भी एक मेथड हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे हम एडिशन ऑफ X2 अभी पढ़ा था, तो एडिशन ऑफ X2 हम कर सकते हैं एल्कीन या एल्काइन में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो तो हम कर ही सकते हैं। और साथ में जैसे आपने पढ़ा होगा कि ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 हमें टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी देता है, तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर रिलेट कर सकते हो आप लोग याद रखने के लिए।
सो आई थिंक ये सारे मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे हाइड्रोकार्बन से. एल्केन हमने एल्केन के अंदर ऐड किया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दिया हमने यहाँ पे. यहाँ पे हमने मॉडर्न मार्कोनिक ऑफ रूल से X2 ऐड किया, फिर हमने बेंजाइलिक एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखा, फिर हमने देखा कि हाँ ये वाला तो हम कहीं और भी यूज़ करते थे X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 जिसको हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में भी यूज़ करते हैं. तो अगला हम पढ़ेंगे कि अगर अभी तो मैंने हाइड्रोकार्बन से बनाया है हैलो एल्केन, तो अब मैं बनाती हूँ एल्कोहल से, एल्कोहल से बनाती हूँ. अब देखो आपको अगर याद रखनी है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि जब आप पढ़ रहे हो ना, तो जैसे आपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, तो आप ना बिल्कुल पॉइंट वाइज याद रखो कि किससे क्या बनता है, तो उससे आप कनेक्ट बहुत जल्दी कर पाओगे. और आप जैसे जो आते हैं बहुत सारे कन्वर्जन बच्चों से नहीं हो पाते हैं, तो वो तभी हो पाएंगे. जैसे मुझे हैलो एल्केन्स बनाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले हाइड्रोकार्बन से सोचा, फिर मैंने अल्कोहल से सोचा कैसे बन सकता है, फिर आगे मैं सोचूंगी कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बन सकता है, फिर सोचूंगी अमीन से कैसे बन सकता है. तो ऐसे अपने दिमाग को आप रन करोगे ना बार बार, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा. तो अब हम दूसरा पढ़ेंगे अल्कोहल में हम कैसे अल्कोहल से हैलो एल्केन को भी बना सकते हैं. तो जैसे आपको पता होगा कि ROH है यहाँ पे, और मैंने क्या ले लिया, HX ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ये ले लिया मैंने. तो क्या बन जाएगा, RX प्लस वाटर, ये बन जाएगा सिंपल. अब जैसे अब यहाँ पे तुमने और भी बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े होंगे, जैसे हो गया तुम्हारा PCl5 तुमने पढ़ लिया. यहाँ पे क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है. तो SN2 रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, RCl प्लस तुम्हारा बनता है POCl3 प्लस HCl. तो ये PCl5 के साथ है, PCl5 के साथ क्या क्या बना, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl. अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ले सकती हूँ, क्या मैं यहाँ पे PCl3 भी ले सकती हूँ, वो भी SN2 होगा, बट यहाँ पे प्रोडक्ट अलग बनेगा और यही आपको याद रखना है. तो अगर PCl3 है तो क्या बनता है मेरे पास, PCl3 है तो बनता है RCl प्लस H3PO3. यही चीज़ यहाँ पे याद रखने वाले कि PCl5 में क्या बनता है, PCl3 में भी. अब उसके बाद तुमने यूज़ कर लिया SOCl2, यहाँ वहाँ पे हमने SO2Cl2 देखा, यहाँ पे हम SOCl2 देख रहे हैं, जिसको हम डार्जन्स भी बोलते हैं, डार्जन्स रिएजेंट. तो इसके अंदर SOCl2 जब आपने लिया तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, RCl प्लस SO2 प्लस HCl. तो ये तीन रिएक्शन में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि PCl5 में, PCl3 और SOCl2 में क्या क्या बन रहा है. अब उसके बाद एक और रिएक्शन मैंने हाइड्रोकार्बन में बताई थी कि अगर जैसे मेरे पास ROH है और मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड रेड फॉस्फोरस. अब यहाँ पे माइंड इट, ये नहीं है रेड फॉस्फोरस HI नहीं है, रिडक्शन नहीं है, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2 है, तो क्या बन जाएगा, RX प्लस वाटर. तो ये भी एक तरीका हो गया अल्कोहल से एल्केन, हैलो एल्केन बनाने का. तो हमने क्या पढ़ लिया, हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया, उसके बाद हमने अल्कोहल से पढ़ लिया. अब हम बात करते हैं कि मान लो मुझे अल्काइल हैलाइड से ही बनाना हो, अब मुझे अल्काइल हैलाइड से ही अल्काइल हैलाइड्स बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, तो एक तुमने रिएक्शन यहाँ पे पढ़ा होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन, सबने पढ़ा होगा, NCERT में भी है. तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं, RX ले लिया मैंने प्लस मैंने NaX- ले लिया, और किसकी प्रेजेंस पे ले लिया मैंने, एसीटोन, और वहाँ पे क्या हो रहा है, SN2, एसीटोन और SN2 मैकेनिज्म हो रहा है. तो यहाँ पे ये क्या होता है, इसको रिप्लेस कर देता है, तो क्या बन जाता है, RX- प्लस NaX. तो अब इसकी भी कंडीशन होगी, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी X- एक X को रिप्लेस कर देगा, उसकी भी कोई कंडीशन होगी. तो X- मतलब ज़्यादा पावरफुल है किससे, X से. तो I- Br-, Cl- और Fl- यही ऑर्डर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन किसको रिप्लेस करेगा. तो I- ज़्यादा अच्छे से रिप्लेस कर पाएगा, उसकी पावर ज़्यादा है, फिर Br-, फिर Cl- और फिर क्या हो जाएगा, Fl-. तो ये आपको ध्यान रखना है फिंकलस्टीन रिएक्शन में. अब उसके बाद एक और रिएक्शन यहां पे आती है तुम्हारे पास, स्वार्ट्स रिएक्शन. देखो अब क्या होगा स्वार्ट्स रिएक्शन, अब जैसे तुमने यहां तो पढ़ लिया कि आयोडीन जो है वो सबसे ज्यादा I- सबसे ज्यादा पावरफुल होगा. तो अब मुझे अगर F- वाला बनाना है, मुझे RF अगर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, RF तो बनाना ही इम्पॉसिबल है फिर, क्योंकि F तो किसी को भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा. तो अगर मुझे RF बनाना है तो मैं क्या करूंगी, तो उसके लिए एक अलग मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन. तो स्वार्ट्स रिएक्शन का क्या मतलब है, स्वार्ट्स रिएक्शन का मतलब है हमें RF बनाना है. तो हम RF कैसे बनाएंगे, कि मैंने C2H5Br ले लिया और मैंने क्या ले लिया, AgF ले लिया यहाँ पे, AgF, ठीक है, AgF ले लिया. तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, C2H5F प्लस AgBr, ये बन जाएगा. तो यही स्वार्ट्स रिएक्शन है इसका. जैसे तुम ये भी ले सकते हो, C2H5Cl ले लिया और मैंने Hg2F2 ले लिया, तो भी C2H5F बन जाएगा प्लस Hg2Cl2 बन जाएगा. तो ये भी क्या हो गया, स्वार्ट्स रिएक्शन के एग्जांपल्स हो गए. तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन, फिर हमने अल्कोहल पढ़ा, फिर हमने पढ़ा अल्काइल हैलाइड से ही अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं. तो तीन आपको मेथड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आई थिंक. अब हम अगला पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड.
कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होता है कि जैसे आर सी ओ ए जी है, और मैंने क्या किया यहाँ पे ले लिया ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर, जो कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक्स टू इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर भी ले सकते हैं, मेनली हम क्लोरीन या ब्रोमीन ही लेते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे आर बी आर प्लस सी ओ टू प्लस ए जी बी आर, क्या बना आर बी आर आर बी आर, फिर उसके बाद ये सी ओ टू अलग निकल गया, ये सी ओ टू, और उसके बाद क्या बन गया ए जी बी आर, क्योंकि दो ब्रोमीन होंगे, ठीक है। तो आर बी आर सी ओ टू और ए जी बी आर, सिंपल, बड़ा सिंपल हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना। अब यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन दिया होता है, एक एक्सेप्शनल रिएक्शन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। एक्सेप्शनल रिएक्शन एक्सेप्शनल चीज़ है यहाँ पे, और वो एक्सेप्शनल चीज़ क्या है, एक्सेप्शनल चीज़ है यहाँ पे कि जैसे आपने ले लिया आर सी ओ ए जी, और यहाँ पे भी मैंने ले लिया आर सी ओ ए जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आयोडीन ले लिया, और मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने आयोडीन के साथ रिएक्ट करवा दिया दो मोल, तो क्या बनेगा। अब तुम्हारे हिसाब से बनना चाहिए था कि आर आई बन जाएगा, सी ओ टू बन जाएगा, ए जी आई बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या बनता है कि यहाँ पे ना ऐसा कुछ बनता है, जैसे ये दोनों ए जी और ये आई इसके साथ मिल जाएगा, तो तुम्हारे पास जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेगा ना, और सी ओ टू अलग निकल जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ये कुछ बन जाएगा तुम्हारे पास। तो ये क्या होगा आर सी ओ आर प्लस क्या बन जाएगा ए जी आई प्लस क्या बन जाएगा सी ओ टू। तो ये आपको एक्सेप्शनल याद रखना है कि यहाँ पे जो बनता है ना, यहाँ तुम्हारा एस्टर बनता है, जबकि हम बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम हेलो एल्केन बना पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस स्पेशल रिएक्शन में एस्टर बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना, और इस रिएक्शन का भी एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं बीरबोन सिमोनी रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप लास्ट, अभी आप लास्ट टाइम पे हो, नहीं 2020 वाले बच्चे अगर देख रहे हैं, तो देखो तुम्हें अगर इतना पर्टिकुलरली याद है ना, ये 6-7 मेथड याद है हर चैप्टर के, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन याद है, केमिकल प्रॉपर्टीज याद है, तुम आराम से क्वेश्चन कर लोगे। और जीओसी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है, जीओसी प्राइम है, जीओसी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद इतना कर लिया आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन्स के ही मेन क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि अब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड तो देख लिया, अब मैं बात करूंगी प्राइमरी अमीन की, कि अगर मुझे प्राइमरी अमीन से बनाना है। तो मैं अमीन वाला जब चैप्टर आपको बताऊंगी उसमें मैं बताऊंगी और रिएक्शंस, लेकिन अभी हम सिर्फ प्राइमरी अमीन का देखेंगे। कि अगर मैंने आर एन एच टू ले लिया, ये प्राइमरी अमीन है मेरे पास, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया एन ओ सी एल, सबको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, टिल्डन्स रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं, टिल्डन्स रिएजेंट, टिल्डन्स रिएजेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक है याद रखें, कि अगर आपको एक ट्रिक याद हो गई, आपका कभी क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता। आपको क्या करना है, बस ट्रिक ऐसे याद रखें कि ऐसे टूटता है और ऐसे टूटता है, ऐसे टूट गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सब चीज़ों को यहाँ पे जोड़ते जाना है, ये सब चीज़ों को यहाँ पे जोड़ते जाना है। तो नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन लगा दो, R के ऊपर Cl लगा दो, और H2 के ऊपर O लगा दो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, सिंपली RCl प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्राइमरी अमीन से अगर मुझे क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, NOCl ऐड कर दूंगी, टिल्डन्स रिएजेंट, और RCl नाइट्रोजन और वाटर, इतने से तो अमीन से बना लिया। तो अब हम सारे हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, फिर उसके बाद हमने अल्कोहल पढ़ा, फिर अल्काइललाइट पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, अब हमने अमीन भी पढ़ लिया। अब कुछ लास्ट रिएक्शन हमारे पास बचे हैं जो कि इंपॉर्टेंट, और बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं उसमें। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नाम की वजह से आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होते हैं, एन टू पॉजिटिव सी एल नेगेटिव डाइजोनियम सॉल्ट है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डाल दिया सी यू टू सी एल टू, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ भी डाल दी कि मैंने सी यू टू बी आर टू डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने डाल दिया यहाँ पे सिंपली सी यू सी एन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये सारी मैंने चीज़ें डाल दी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे बनता है ये, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बन जाएगा ये, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा सी एन लग जाएगा। तो ये जो सारे होते हैं ना, इस वाले इन सारे रिएक्शंस को हम बोलते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन, और ये नाम पे बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, सैंड मेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। अब एक चीज़ और आती है, एक वेरिएशन हल्की सी और आएगी, कि जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया सी यू इन द प्रेजेंस ऑफ एच बी आर, अब यहाँ पे तो क्या था सी यू टू बी आर टू, यहाँ पे क्या था सी यू इन द प्रेजेंस ऑफ एच बी आर, तो भी क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ये बन जाएगा, है ना, यही बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सी यू इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी एल भी यूज़ कर लिया, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, तो भी यही बन रहा है। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, इसमें जो इस रिएक्शन का जो रिएजेंट है, इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। तो यही ध्यान रखना है कि सैंडमेयर रिएक्शन किसको बोलते हैं और गटरमैन रिएक्शन किसको बोलते हैं। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एक जगह लिख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अब एक और रिएक्शन होती है यहाँ पे कि जैसे यही है डाइजोनियम ही है, यही है। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया
HBF4, इसको और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राफ्लोरो बोरिक एसिड, ठीक है, ये ले लिया हमने। तो इसके अंदर पता है क्या होता है, इसके अंदर ना तुम्हारा ये बन जाता है फ्लोरीन अल्टीमेटली, और इसको हम, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बाल्स शीमैन रिएक्शन बोलते हैं। तो HBF4 टेट्राफ्लोरो एसिड, और ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जेई में भी पूछा जा चुका है, तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाल शीमैन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे एक और अगर मैंने डाल दिया, मान लो मैंने KI डाल दिया, तो KI अगर मैं डाल दूंगी ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि देखो अभी तक जो हमने रिएक्शंस पहले पढ़े उसके अंदर फ्लोरीन और आयोडीन कहीं नहीं आया था, तो उनको बनाने के लिए थोड़े अलग मेथड्स हैं कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव डाइजोनियम से हमने अगर फ्लोरोबेंजीन बनाया तो हमने ये मेथड यूज़ किया, और आयोडाइड अगर हमने लगाया, आयोडीन लगाया, तो KI यूज़ किया। तो आई होप आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सारे क्लियर हो गए होंगे। हमने शुरू से एक बार आप ध्यान रखो, मेरे साथ साथ एक बार रिवाइज करो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोकार्बन से बनाने के क्या तरीके होते हैं, फिर हमने क्या पढ़ा कि अल्कोहल से अगर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बना सकती हूँ, फिर मैंने क्या पढ़ा कि अगर मुझे अल्काइल हैलाइड से ही बनाना हो तो भी मैं कैसे बना सकती हूँ, फिर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड से देखा फिर कैसे बना सकते हैं, फिर मैंने अमीन से देखा, और फिर मैंने डाइजोनियम सॉल्ट। अगर आपके दिमाग में इतनी पिक्चर क्लियर है, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको पूरी ऑर्गेनिक याद रहेगी हमेशा। तो ये सारी रिएक्शंस एक पेज पे लिख लो, और उसके बाद बस लाइन वाइज रिवाइज करना, हमेशा लाइन वाइज रिवाइज करना, तो आपको बड़ा ईजी हो जाएगा ऑर्गेनिक करना। अब उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ऐसे ही कुछ 10-12 रिएक्शन है, तो 10-12 रिएक्शन अगर आपको माइंड मैप आपका बना हुआ है और आपको क्लियर है, और आप अभी अगले, अगर आपकी वीक भी है ना ऑर्गेनिक, अगले 10 दिन आप बस यही पढ़ लोगे ना, आपका आराम से मतलब क्लियर हो जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे अगर आपने हाइड्रोकार्बन भी पढ़ा होगा, तो उसमें हमने पढ़ा कि सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। तो अगर उसमें रिएक्ट करता है हैलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड उसमें रिएक्ट करता है, तो मेरा एल्केन बनता है, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं एक बार हाइड्रोकार्बन वाला भी री रिकॉर्ड करके डालवा दूंगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लैग था। तो और उसके साथ क्या है, जिंक इन द प्रेजेंस, जिंक जो होता है, अगर मैं जिंक यूज़ कर लूँ, जैसे इसमें तो वुड्स बोलते हैं, अगर मैं जिंक यूज़ कर लूँ, तो उसको मैंने बताया था फ्रैंक लैंड रिएक्शन, ठीक है, तो उसमें भी क्या बनता है, उसमें भी तुम्हारा एल्केन बनेगा। या मैं क्या करा दूँ, मैं यहाँ रिडक्शन करा दूँ, तो रिडक्शन में मैं क्या क्या यूज़ कर सकती हूँ, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, या फिर जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ये बोल सकते हैं, एक ही बात है। या मैं बोल सकती हूँ दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये इतने हर जगह हर किसी को ऑलमोस्ट रिड्यूस कर देता है, तो रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI। तीसरा क्या हो गया, LiLH4 हो गया, और चौथा हो गया NaBH4। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि LiLH4 जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को ही कराता है, और NaBH4 जो है वो टर्शरी को भी करा सकता है, ठीक है। NaBH4 मेनली हम टर्शरी के लिए यूज़ करते हैं, और LiLH4 हम प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए करते हैं, और इनका जो होता है कोई इफेक्ट नहीं होता है डबल बॉन्ड पे, अगर डबल बॉन्ड है तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रखना है, पहली चीज़ हो गई कि एल्केन हमने बना लिया, या एल्केन हम बना रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारे अल्काइल हैलाइड की। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तुम्हारे पास, मैंने RX ले लिया, और मैंने क्या ले लिया यहाँ, अल्कोहलिक। अब यही चीज़ ध्यान रखनी है, कन्फ्यूजन होता है, अल्कोहलिक KOH ले लिया, अल्कोहलिक KOH ले लिया, तो सिंपली यहाँ क्या हो जाता है, एल्कीन बन जाता है, और होता क्या है प्रोसेस, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ये हो जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद एक और मेथड हम पढ़ लेते हैं, कि जैसे मान लो मेरे पास RC CNA, और मैंने क्या ले लिया, RX ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपली क्या बन जाता है, RC CCC और R बन जाता है, क्योंकि ये NaX ऐसे बन जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि ट्रिपल बॉन्डेड के साथ अगर जुड़ता है हाइड्रोजन भी, तो वो भी एसिडिक होता है, तो इसके अंदर RC CCC बन जाएगा, ये भी एक रिएक्शन है। अब अल्कोहलिक KOH तो हमने पढ़ लिया था, अल्कोहलिक KOH तो पढ़ लिया। अब मैं बोलती हूँ आपको कि अगर मैंने RX ले लिया, और मैंने क्या ले लिया, एक्वस KOH, अब बताओ क्या बनेगा, एक्वस KOH ले लिया, तो एक्वस KOH में सिंपली क्या बनता है, यहाँ पे तुम्हारा बनता है ROH, बस इतना ध्यान होना चाहिए, ROH बनता है, और अल्कोहलिक KOH में क्या बनता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, जिसमें क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, सिंपल। अब उसके बाद कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपने सुने भी हुए होंगे, जैसे कि NCERT में भी दिया हुआ है कि एक होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये आपने सुना होगा, बड़ा ही मेन रिएक्शन है और बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये भी सुना हुआ है। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास RONA है,
और ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ओनली प्राइमरी आरएक्स, ये आपको पता है। और हम ये भी देखते हैं कि अगर मुझे सेकेंडरी बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, तो फिर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, लेकिन ये प्राइमरी ही रहना चाहिए। तो RONA प्लस प्राइमरी RX जब हम लेते हैं तो इसको हम, इससे हम क्या बनाते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं, और बनता क्या है यहाँ पे RORR बन जाता है, क्योंकि ये जो एन ए ये एक्स के साथ ले जाते हैं तो RORR बन जाता है। तो क्या बनता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बनता है। अब यहाँ पे मैंने एक तुम्हें अभी रिएक्शन वैसे बताई थी कि अगर मैंने RCOAG ले लिया, RCOAG ले लिया और मैंने यहाँ RX ले लिया तो क्या बनेगा। अब ये भी एक रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है, RCOAG ले लिया और RX ले लिया। अभी जैसे हम पहले दो तीन रिएक्शन देख के आए कि एक्सेप्शनल रिएक्शन थे, वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ बन जाएगा RCOOR- AGX, ये बन जाएगा। तो ये आपको रिएक्शंस क्लियर होने चाहिए। तो अभी तक हमने कितने रिएक्शंस पढ़ लिए देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला रिएक्शन ये पढ़ लिया, दूसरा रिएक्शन था अल्कोहलिक QH वाला, तीसरा रिएक्शन था ये वाला, चौथा रिएक्शन था ये, तो चार रिएक्शंस हो गए। पांचवा रिएक्शन हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ लिया, छठा रिएक्शन ये हमने अलग सा रिएक्शन पढ़ लिया। अब अगले रिएक्शन पे आते हैं, जैसे मान लो मैंने अमोनिया ले लिया और मैंने क्या ले लिया, RX ले लिया, तो सिंपल सी बात है क्या बन जाएगा, RNH2। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, कि अगर मान लो मैंने अमोनिया जो है वो एक्सेस में ले लिया, बहुत ज़्यादा अमोनिया, बहुत ज़्यादा अमोनिया, तो भी क्या बनेगा, हमेशा प्राइमरी अमीन ही बनेगा, क्योंकि प्राइमरी अमीन से ज़्यादा क्या बन पाएगा, कितना भी तुम अमोनिया ले लो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बनेगा प्राइमरी अमीन ही। पर अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, कि अगर मैंने NH3 ले लिया और मैंने RX लिया था तो बनना क्या चाहिए था, RNH2। अब अगर मैं इसको एक्सेस में ले लूँ, इसको एक्सेस में ले लूँ, तो अब सोचो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, RX ऐड हुआ होगा तो क्या बन जाएगा, R2NH, फिर RX ऐड हुआ होगा तो क्या बन जाएगा, R3N बन जाएगा, फिर से मैंने RX ऐड कर दिया तो यहाँ क्या बन जाएगा, R4N पॉजिटिव, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी सॉल्ट, तुमने पढ़ा होगा ये क्वार्टरनरी सॉल्ट होता है, ऐसा कुछ बन जाता है, R4N पॉजिटिव बन जाता है और यहाँ पे Cl नेगेटिव आ जाता है कुछ ऐसा, तो क्वार्टरनरी सॉल्ट यहाँ पे बन गया आपका, क्वार्टरनरी सॉल्ट बन गया। तो अगर RX एक्सेस में है तो क्या बन जाएगा, क्वार्टरनरी सॉल्ट, और अगर अमोनिया एक्सेस में है तो प्राइमरी अमीन ही बनेगा, प्राइमरी अमीन ही बनेगा, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब अगला देखते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब दो तीन रिएक्शन है जो बड़े सिंपल हैं पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि KCN ले लिया मैंने और यहाँ पे RX ले लिया, तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ पे तुम्हारा बनता है RCN। लेकिन अगर मैंने वहीं यहाँ पे AgCN ले लिया होता और मैंने वही RX ले लिया होता तो यहाँ क्या बनता, AgNC, ये बन जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से N जो होता है ना वो पहले अटैक कर जाता है, N पहले अटैक कर जाता है और C बाद में करता है, तो ऐसा कुछ बनता है। तो ये भी इसका रीज़न दिया भी हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो, याद करने की ट्रिक तुम्हें बता दूंगी, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है याद करने का तरीका बता दूंगी, कि अब सिमिलरली एक और रिएक्शन होता है KNO2 वाला, कि KNO2 को मैंने RX से रिएक्ट करवा दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, RONO, ऐसा कुछ बन जाएगा RONO। अगर मैंने वही चीज़ यहाँ पे ले ली तुम्हारी AgNO2, ठीक है, और मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे AgNO2 ले लिया और मैंने यहाँ पे ले लिया तुम्हारा RX, तो यहाँ पे ना उल्टा बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा RNO2। तो अब याद करने की ट्रिक ये है कि कभी भी अगर Ag आ रहा है ना तो N आ रहा है पहले, Ag आ रहा है तो N पहले आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये आपका आ जाएगा RNC, सॉरी। तो यहाँ पे जब भी Ag आ रहा है ना तो N पहले आ रहा है, तो इसमें भी NO2 में N पहले आ रहा है, अगर आपको नहीं याद रहता तो, ये याद करने का तरीका है बस, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि Mg ईथर, मैग्नीशियम ईथर, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर में अगर हम RX डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ये तो सबको पता है, तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, क्लियर। उसके बाद मैंने, अब देखो यहाँ पे एक और आ गया कि ड्राई Ag2 है मेरे पास और मेरे पास है एक मॉइस्ट Ag2O, तो अब क्या क्या बनेगा, ठीक है, ये मेरे पास। तो अगर ड्राई Ag2O के साथ मैं रिएक्ट करवाऊंगी ना तो यहाँ पे RORR बनता है, लेकिन अगर मैं मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो यहाँ पे ROH बनता है। और ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से कर लेना कि ड्राई Ag2O के साथ अगर मैं RX को रिएक्ट करवाती हूँ तो ROR बनता है, लेकिन अगर मॉइस्ट के साथ रिएक्ट करूँ तो अल्कोहल बन जाता है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगला देखते हैं कि यहाँ पे जैसे अब तुम्हें एक और रिएक्शन मैंने बताई थी कि कोरे हाउस सिंथेसिस भी मैंने पढ़ाया था। तो कोरे हाउस सिंथेसिस में बेसिकली क्या है कि RCl है और क्या है मेरे पास R2LiCO होता है, ठीक है। तो ये क्या देता है, मान लो ये R-2LiCO है तो ये R- दे देता है, ऐसा कुछ दे देता है,
ठीक है, और ये क्या होता है, इसको रिप्लेस कर देता है, यही होता है। तो जब ऐसे करोगे तो क्या बन जाएगा, आर आर डैश बन जाएगा, बस फोर हाउस सिंथेसिस, सिंपल सी है। उसके बाद एक और रिएक्शन, आखिरी रिएक्शन जो है केमिकल प्रॉपर्टी की, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन है, तो मैंने क्या किया, एक्वस NaOH पास करा दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, डाउस प्रोसेस। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ रिएक्शंस हो गई, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, अब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म कर लिया इस चैप्टर का। SN1 SN2 वाली चीज़ें पढ़ी बची हैं, जो मैं आपको अभी अभी बता दूंगी कि कैसे करना है। तो SN2 SN1 वाली जो रिएक्शंस बची हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ, और साथ में आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बेसिकली क्या है कि हमें क्या करना है, अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, तो हमने सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए, हमने फिर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब उसके बाद आप क्या करोगे, NCERT खोलोगे, और जो भी रिएक्शंस आपकी सारी कवर हो गई होंगे ऑलमोस्ट, और एक बार NCERT की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने नहीं आज कराई है वो आप रीड कर लेना, और NCERT में कोई और पॉइंट दिख रहा है तो वो रिवाइज कर लेना, और PYQs कर लेना, तो आपका आराम से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रोवाइडेड आपकी GOC बहुत स्ट्रांग हो, GOC की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसा होता है, NSR कैसा होता है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं SN1 SN2 की। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस किस टाइप में होता है, तो ये भी मैंने वैसे एक स्पेशल क्लास ली थी अनअकैडमी पे जो फ्री थी, जिसमें मैंने इन डिटेल सब कुछ समझाया था, बट आज मैं शॉर्ट में फटाफट रिवाइज करा देती हूँ कि NSR अगर मैं बोलती हूँ, NSR उसके एग्जाम्पल्स क्या है, NSR कैसे हो सकता है, एल्काइल हलाइड में हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स इसमें भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक जगह और हो सकता है कि अल्कोहल में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं। तो अभी हम अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया था कि RX है मेरे पास, और मैंने क्या कर लिया, एक्वस KOH ले लिया। जैसे अल्कोहलिक में तो डिहाइड्रोहैलोजनेशन हो गया था, एक्वस KOH ले लिया मैंने, या मैंने अभी तुम्हें बताया था कि मॉइस्ट Ag2O ले लिया मैंने, तो उसके अंदर भी क्या बन जाता है, ठीक है। या फिर अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे मैंने एक्वस NaHCO3 भी ले लिया अगर, तो मैंने इनमें से कुछ भी अगर ले लिया ना, तो यहाँ पे ROH बनता है प्लस X नेगेटिव। तो ये सारे क्या हो गए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हो गए। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, RX को अगर मैंने एक्वस KOH डाला, या मॉइस्ट Ag2O डाला, या एक्वस NaHCO3 डाला, तो RH प्लस X नेगेटिव बन गया, सिंपल सी बात है। अब होता क्या है कि बेसिकली ये जो OH नेगेटिव ग्रुप है मान लो, या कोई भी ग्रुप है जो इसमें से रिलीज हो रहा है, वो क्या कर रहा है, X को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ से एक्स को यहाँ से रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो अब मान लो कि मेरे पास RX है, और मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल डाला होगा, तभी तो मैं बोल रही हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, वो ऐसा कुछ, ऐसी कोई ऐसी चीज़ जिसको न्यूक्लियस की जरूरत हो, जिसके पास खुद नेगेटिव चार्ज हो भले ही, लेकिन उसको न्यूक्लियस चाहिए, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस करना चाहता है। अब न्यूक्लियोफाइल जो है इसको रिप्लेस करना चाहता है, तो अब ये इसको रिप्लेस करना चाहता है, तो अब मेरा क्या बन रहा है, RN न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव बन रहा है। पर अब देखो, अगर मुझे देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कैसी है, या रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, तो ये देखने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक चीज़ या जो पहला फैक्टर है ध्यान रखना पड़ेगा, कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है कितना स्ट्रांग है। अगर ये ज़्यादा स्ट्रांग हो गए तो ये जल्दी से इसको हटा पाएगा X को। तो पहली चीज़ मुझे क्या देखनी होती है, कि अटैकिंग पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, पहली चीज़ मैंने ये देख ली। दूसरी चीज़ मैंने क्या देख ली, कि ये जो X है ये कितना जाना चाहता है, इसकी लीविंग ग्रुप अबिलिटी क्या है। तो दूसरी चीज़ मैंने क्या देख ली, कि लीविंग ग्रुप अबिलिटी ऑफ हैलोजन, ठीक है, तो लीविंग ग्रुप अबिलिटी कितनी है इसकी, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल कितना अटैक कर रहा है। तो ये दो फैक्टर्स मेन होंगे। अब जैसे लीविंग ग्रुप अबिलिटी की अगर बात आए ना, तो लीविंग ग्रुप अबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब अगर मैं बात करूँ तुमसे, कि जैसे मान लो मेरे पास F नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, ब्रोमीन नेगेटिव है, आई नेगेटिव है, या मैं ऐसे बोलूं कि HF है, HCl है, HBr है, HI है। तो अब मैं तुमसे बोलूं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज़्यादा एसिडिक इसमें से कौन है, तो तुम बोलोगे HI है, HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, जितना ज़्यादा एसिडिक है उतना कम उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, मतलब उसका उतना ही कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगा। तो इसका मतलब ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस आई नेगेटिव है, ये वीक बेस है। जबकि अगर तुम HI की बात करो, HF की बात करो, तो ये अगर वीक एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा ये। तो अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, कि लीविंग ग्रुप अबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ है। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो लीविंग ग्रुप अबिलिटी कम है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कि बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा, तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ का तुम्हारा ऑर्डर ये होता है, ठीक
ठीक है, तो लीविंग ग्रुप अबिलिटी किसकी ज़्यादा हुई, आई नेगेटिव की ज़्यादा हुई, फिर ब्रोमीन नेगेटिव की, फिर क्लोरीन नेगेटिव की, फिर फ्लोरीन नेगेटिव की। तो इसके मैं रिएक्शन तुम्हें एक दो बार करा दूंगी तो तुम्हें उससे आइडिया लग जाएगा कि इसका क्या मतलब है। एक बार अप्लाई भी करवा दूंगी इसको, मैं अभी एक दो क्वेश्चन में बता दूंगी। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। अगर ये वीक बेस है तो इसकी लिविंग ग्रुप अबिलिटी क्या हुई, ज़्यादा हो जाएगी। अब अगला करते हैं। तो अब अगली चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि अब अगर मैं रिएक्टिविटी बोलूँ SN1 के लिए और SN2 के लिए, दोनों के लिए अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा वो RI होगा, फिर RBR होगा, फिर RCL होगा, फिर RF होगा। क्यों होगा ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि इसका जो ये जो बेस है आई नेगेटिव जो बेस है वो वीक बेस है। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे SN1 और SN2 रिएक्शंस की। ये SN1 SN2 में मेजरली क्या क्या डिफरेंस होता है वो हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले SN1 रिएक्शन कैसा होता है, यूनिमोलिक्यूलर, और ये होता है बायमोलिक्यूलर, तभी तो हम इसको बोलते हैं SN1 और SN2। और दूसरी चीज, इसमें जो ऑर्डर आता है रिएक्शन का वो आता है 1, और इसके अंदर जो ऑर्डर आता है वो आता है 2। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया SN1 SN2 के बारे में। अब ये जो है ना, ये क्या करता है, ये दो स्टेप्स में होता है, अकर्स इन 2 स्टेप्स, और जबकि ये क्या होता है, एक सिंगल स्टेप में हो जाता है ये वाला रिएक्शन। ये जो 2 स्टेप्स में होता है, इसके अंदर क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, और वही जो स्टेप होता है कार्बोकेटाइन का बनने का, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो अगर हमें रिएक्टिविटी वगैरह देखनी है तो हम कार्बोकेटाइन देख लेंगे, लेकिन इसके अंदर एक ही स्टेप होता है, और उसके अंदर क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऑर्डर भी मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे ये कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये आयोनिक मैकेनिज्म की वजह से कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे आयोनिक मैकेनिज्म है, यहाँ पे कैसा मैकेनिज्म है, स्टेरिक मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो ये आयोनिक मैकेनिज्म हो गया, यहाँ पे स्टेरिक मैकेनिज्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो होगी ना, तो यहाँ पे ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल लेस भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, और यहाँ पे हाई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई ही चाहिए होती है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक भी हो सकता है, वो स्ट्रांग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रांग ही होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन भी हाई होनी चाहिए और न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके बाद यहां पे आपने सबने पढ़ा होगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहां पे क्या चाहिए होता है, हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। और यहां पे क्या होता है, लेस पोलर या फिर ए प्रोटिक। तो इसके अंदर जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसके अंदर क्या क्या होता है कि ROH हो गया तुम्हारा, H2 हो गया, तो SN1 होता है। लेकिन अगर देखो, अब कभी भी तुम्हें जज करना हो ना, तुम्हें नहीं दिया कि SN1 करना है या SN2, पर अगर तुम्हें कभी देखना है कि क्या SN2 होगा SN2, तो तुम डायरेक्टली ये सॉल्वेंट से पता लगा सकते हो। अगर ROH या H2 दिए तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, SN1 होगा। अगर तुम्हें यहाँ पे दे दिया एसीटोन, या तुम्हें दे दिया यहाँ पे DMF, ठीक है, ये सब दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, SN2 रिएक्शन है। बस ये आइडेंटिफाई करने का भी तरीका होगा। अब हम लोग एक दो चीज़ें पढ़ेंगे SN1 और SN2 के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। कि अगर मान लो SN1 है मेरे पास, अगर मान लो मेरे पास SN1 है और इसके अंदर मेरे पास है टर्शरी एल्काइल हैलाइड, जो कि कैसी है, कायरल कार्बन वाली, और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या कर रही है, शो कर रही है, ऑप्टिकली एक्टिव है, जो ऑप्टिकली एक्टिव है टर्शरी एल्काइल हैलाइड है मेरे पास। तो ये क्या करेगी, ये दो प्रोडक्ट्स बनाता है। दो प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, रिटेंशन भी हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है इन्वर्जन भी। ठीक है, अब मान लो मेरे पास, मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे CH3 और ये CH, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ होगा और यहाँ पे क्या बना होगा, कार्बोकेटायन कुछ बना होगा। ठीक है, अब वो अरेंज तुम ऐसे कर लो कि ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो बेसिकली कार्बोकेटायन बनाऊंगा पहले स्टेप में, जो कि क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब रिटेंशन और इन्वर्जन बनता है, जो रेसमिक एक मिक्सचर बनेगा, तो वो रेसमिक मिक्सचर जो है उसके अंदर दोनों का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या सेम होता है, कि 50% रिटेंशन बन रहा है, 50% इन्वर्जन बन रहा है, क्या ऐसा होता है? तो ये चीज़ पूछी जाती है और ऐसा ये गलत है, दोनों 50% नहीं होता। तुम देखोगे रेसमिक मिक्सचर में जो इन्वर्जन वाला है ना, वो रिटेंशन से ज़्यादा है।
इन्वर्जन वाला जो है वो रिटेंशन से ज्यादा होता है. क्यों होता है? इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है वो दो तरीके से अटैक करता है, या तो फ्रंट अटैक होगा या उसका बैक अटैक होगा. फ्रंट अटैक भी हो सकता है, बैक अटैक भी. तो अब होता क्या है, जब तक ये क्लोरीन हट रहा होता है ना, तो तब तक तो फ्रंट अटैक नहीं हो पाता, लेकिन तब तक बैक अटैक होता रहता है. तो अगर बैक अटैक होता रहता है ना, तो इन्वर्जन प्रोडक्ट जो है वो टेंशन से ज्यादा बन जाता है. तो ये चीज नीट में पूछी गई थी कि बताओ रेसमिक मिक्सचर की कॉम्पोजिशन क्या होगी. ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से. उसके बाद SN2. अब जैसे कभी कभी आता है कि SN2 के अंदर बेसिकली क्या होता है, SN2 में बेसिकली क्या होता है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अगर तुम्हारी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसके अंदर एक ही प्रोडक्ट बनता है, ओनली वन प्रोडक्ट, जो कैसा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, वॉल्डन्स इन्वर्जन. मतलब इन्वर्जन वाला ही एक ही प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम वॉल्डन्स इन्वर्जन भी बोलते हैं, वॉल्डन्स इन्वर्जन भी बोलते हैं. तो इतना क्लियर होना चाहिए. अब जैसे अगर मान लो आइडेंटिफाई करना आ गया, मतलब तुम्हें रिएक्शन में देखना है कि SN1 हो गया SN2, तो अगर जैसे मान लो मेरे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो हमेशा क्या होगा उसके अंदर, SN1 होता है उसके अंदर, चांसेस है SN1 ही होता है मोस्टली, अदर देन थोड़े बहुत का भी एक्सेप्शन हो जाते हैं. तो सेकेंडरी अगर है मेरे पास सेकेंडरी, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है. और अगर प्राइमरी है ना, तो उसके अंदर SN2 मेनली SN2 ही होता है उसके अंदर. ठीक है, तो ये आपको इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. और मैं आपको बता रही हूँ एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में से SN1 SN2 पे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है. तो SN1 SN2 आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, क्या मतलब है, कौन से में क्या हो रहा है. तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा. अब जैसे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको छोड़ दो एक बार, ठीक है. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ कि SN2 में मुझे रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो यहाँ पे आ गया CH2Cl, और यहाँ पे तुम्हारा आ गया CH2 और यहाँ पे Cl. तो अब SN2 में किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होगा, अब तुम्हें क्या देखना है, सिंपली मैंने क्या बताया था, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है तो हम क्या देखते हैं कि वो SN1 होता है. प्राइमरी अगर है तो हमेशा SN2 रिएक्शन होता है. तो अब ये कैसा है, अगर मैं ये हटा दूँ, ये प्राइमरी है नहीं, ये सेकेंडरी है, सॉरी ये सेकेंडरी हो गया. अब यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3 से जुड़ा है, तो ये कैसा हो गया, टर्शरी. ठीक है, ये टर्शरी हो गया. तो हम ये हटाएंगे अगर, तो ये इसके अंदर SN2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी राधर दैन दिस, क्योंकि ये तो टर्शरी है, ये तो ये वाला कार्बन तो 1, 2, 3 कार्बन से अटैच्ड है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये प्राइमरी होगा, सॉरी. ठीक है, तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी हो गया, और ये 1, 2, 3 कार्बन से अटैच्ड है तो टर्शरी हो गया, और ये टर्शरी वाला तो SN1 ही शो करेगा हमें पता है, तो ये वाला ज़्यादा सही होगा आपका. अब उसके बाद जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, अब यहाँ पे आई जुड़ा हुआ है, और एक मैंने ये ले लिया जहाँ पे BR जुड़ा हुआ है. तो अगर SN2 की मैं रिएक्टिविटी पूछूँ किस में ज़्यादा होगी, तो मैंने क्या बताया था, आई क्या है, ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्योंकि वो कम बेसिक है, तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा इससे. ठीक, अब उसके बाद जैसे हम एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं. तो एक और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लो मेरे पास ये है, तो इसके अंदर कौन ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसके अंदर भी क्या है कि लीविंग ग्रुप एबिलिटी इसकी ज़्यादा, तो ये अच्छा होगा. अब जैसे मैं तुमसे एक और चीज़ पूछ लूँ कि बताओ मुझे कि SN1 है, यहाँ पे क्या है, SN1 है, ठीक है, तो SN1 की रिएक्टिविटी तुम्हें मुझे बतानी है. तो मान लो मेरे पास एक ही हो गया, ठीक है, एक ही हो गया, दूसरा हो गया तीसरा हो गया तुम्हारे पास, चौथा हो गया तुम्हारे पास, ऐसा कुछ. तो तुम्हें बताना है ये SN1 में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी. तो तुम्हें क्या देखना है, कार्बोकैटायन देखना है. अब देखो यहाँ पे दो बेंजीन के ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे दो बेंजीन लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है, और BR है. यहाँ पे क्या है, दो बेंजीन भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ CH3 नहीं है, यहाँ H है. तो तुम यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख सकते हो. तो ये वाला जो कार्बोकैटायन होगा, ये वाला जो कार्बोकैटायन होगा 1 का, वो 2 से तो ज़्यादा है, चलो ठीक है. अब सी वाले में देखो, सी वाले में और डी वाले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों में एक एक फिनाइल ग्रुप लगा है, या बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है. तो क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे H ग्रुप है और BR लगा हुआ है. यहाँ पे क्या, दोनों H2 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, तो ये भी इससे ज़्यादा स्टेबल हुआ, ठीक है. तो 2 से ज़्यादा C होगा, फिर D होगा, तो क्या ऑर्डर आएगा, A फिर B फिर C
फिर तो इतना आपको ध्यान रखना। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले हैलो एल्केन्स का हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने SN1 SN2 रिएक्शंस देखे और क्या उस पर किस टाइप के रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब अगर आप क्लास अटेंड करना चाहो तो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्राई कर रही हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम लोगों का क्लास रखूंगी और क्वेश्चन उसमें कराऊंगी या मिक्सड PYQs जो है सारे चैप्टर्स के मिला के करें जिससे आपकी क्लियर हो जाए। तो आप एक स्पेशल क्लास जरूर जरूर अटेंड कर सकते हो। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन बाय द सब्सक्रिप्शन by using my promo code Ishika, जिस पे आपको 10% discount मिल जाएगा। तो आप मेरा promo code use कर सकते हो और साथ में आप लोग मेरी free, बिल्कुल free special live classes attend कर सकते हो। So see you all, और जो भी इसकी PDF वगैरह होगी वो मैं send कर दूंगी, ठीक है। तो I hope आपको समझ आया हो।